मंगलवार के दिन करें लोगों का ये उपाय। दोस्तों आपकी किस्मत चमक जाएगी, माता लक्ष्मी की होगी आपका कृपा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों लोगों का जो उपाय है वो मंगलवार के दिन इतने कारगर होता है कि वो एक अचूक उपाय कहलाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। दोस्तों धार्मिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष में भी ऐसा उपाय बताया गया है जिसको करने से आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है और आपका हर सपना पूरा होता है। आज हम आपको 8 ऐसे लोगों के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को आप करने में न सिर्फ अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं बल्कि इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में सफलता भी पाते हैं। दोस्तों आप किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं तो वह आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा अपना समय और पैसा व्यर्थ होता है। परंतु यदि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है और समय भी नहीं है तो फिर आप उपाय किस तरह से करेंगे। लेकिन आप हमारे इन वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको लोगों के उन प्राचीन उपायों के बारे में आपको पता लग जाएगा जिन्हें हम बताने जा रहे हैं, जिनको करने से जो पंडित जो उपाय बताते हैं उससे भी ज़्यादा दुगना और चौगुना फल आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में जो आधे से ज़्यादा परेशानी है सिर्फ एक लौंग ही शांत कर सकती है। अर्थात प्राचीन समय में भी लौंग के ऐसे उपाय किए जाते थे ऋषि मुनियों के द्वारा जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते थे। इस वजह से लौंग की जो पूजा है वो यानी देवी देवताओं की पूजा भी बिना लौंग के सफल नहीं होती है। आप यदि यज्ञ भी कराते हैं तो बिना लौंग के यज्ञ नहीं होता है, बिना लौंग के माता लक्ष्मी जी को भी भोग नहीं लगता है। तो लौंग के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, इतनी पावरफुल होती है लौंग। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है। लौंग का उपाय यदि हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है, ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है कि आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगते हैं। जीवन की आपकी कोई भी परेशानी हो, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या परिवार का सदस्य कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही, घर में उन्नति नहीं हो रही, घर में धन नहीं आ रहा आदि सभी परेशानियां जो हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो आप यदि चाहते हैं कि आप पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी आप भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको दिलाएं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम लिखने से दोस्तों हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनको तो भगवान श्री राम का ही नाम चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान भी श्री राम दूत ही हैं। तो पूरी आस्था के साथ आपको ये उपाय करना है। यदि आप आस्था नहीं रखेंगे तो फिर उपाय इतने ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए आपको पूरी आस्था रखनी है और पूरी आस्था के साथ अपने इन उपायों को करना है। तो पहला उपाय जो है मैं बताने जा रहा हूँ, वो पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों इस उपाय से बहुत से लोगों को धन प्राप्ति हुई है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्तों। बिना मेहनत के धन प्राप्ति के हम उपाय नहीं बताते क्योंकि ऐसे उपाय होते नहीं हैं। मेहनत करें उसमें यदि हमें 1 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब इन उपायों को करने के बाद उसी मेहनत में आपको 5 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं धन प्राप्ति का महा उपाय। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बिना मेहनत के, बिल्कुल सही करते हैं, बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं मिलता, लेकिन उन उपायों को यदि आप कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ तो जहां आप 1 रुपया कमा रहे थे अब आप 5 रुपये कमाने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपको 5 मंगलवार तक करना है, ये धन प्राप्ति का उपाय होने जा रहा है। ये उपाय एक छोटी सी डब्बी ले लीजिए इस उपाय में और मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने आपको बैठना है। आप अपने हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी के सामने बैठना है और उनके सामने लाल कपड़ा रखना है। अब उस पर डिब्बी को आधा नमक से भर करके आपको रख देना है और उसमें 2 लौंग आपको डाल देनी है। अब हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। इस तरह से आपको हनुमान जी के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना है और इस डिब्बी को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना है। अब क्या करना है, अब अगले मंगलवार को फिर से अपनी तिजोरी में से उस डिब्बी को निकाल करके फिर बीज मंत्रों का जाप करते हुए आपको 2 लौंग वापस उसमें डाल देनी है। अब वापस से आपको 108 बार ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः का जाप करना है और फिर से उस डिब्बी को जो नमक से भरी थी और लौंग से भरी थी, अब 4 लौंग हो गई इसमें, तो उसको वापस से अपनी तिजोरी में रख दें। इस तरह से आप इसको 5 मंगलवार तक करें। अब यदि आप 5 मंगलवार तक करेंगे तो इसमें 10 लौंग हो जाएगी।
अब दोस्तों पांचवें मंगलवार के बाद इसको आप हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रखिए, यानी कि लाल कपड़े में बांध करके इसको अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रख दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपकी तिजोरी में हमेशा धन आना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से दर्शक कहते हैं कि हमारे पास तिजोरी नहीं है। अब जिनके पास तिजोरी नहीं है वो धन रखने के स्थान पर इसको रख सकते हैं, मतलब जहाँ भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर आप इस पोटली को रख सकते हैं। तो इस पोटली को रखने से आप में जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। अब दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, दूसरा उपाय क्या है। यदि परिवार में आपका ग्रह कलेश है, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, या फिर भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, या फिर भाई बहन से लड़ रही है, कोई भी परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और कलह का माहौल है, तो दोस्तों ये वाला उपाय बहुत ही कारगर होने जा रहा है। आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है, या आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। आपको पीतल की कटोरी या फिर मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें पांच लौंग, तीन कपूर और दो इलायची आपको ले लेनी है। और ये उपाय दोस्तों आपको करना है शनिवार की शाम को, बिल्कुल शाम का समय होता है, जो दिया बत्ती का समय होता है, तो आप आरती पूर्ति करके ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, मिट्टी की पीतल की कटोरी और मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें पांच लौंग, तीन कपूर और दो इलायची जल लेनी है, और इसको शनिवार की शाम को जला देना है, और इसका पूरा धुआं, जो इसका धुआं है वो पूरे घर में आपको दिखाना है, इसकी राख को पूरे घर में आपको छिड़कना है और घर के मुख्य द्वार पर भी आपको छिड़कना है। साथ ही में आप क्या करें, इसकी राख थोड़ी सी जो बच जाएगी उसमें जब आप सुबह पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले जल में भी इसकी राख को डालिए और उससे पोछा लगाइए। दोस्तों जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाएगी, और जो व्यक्ति लड़ रहा है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, उसके कमरे में ये आप जलाइए। उसके कमरे में यदि आप जलाएंगे तो उसके कमरे में ही सबसे ज़्यादा नकारात्मकता होगी, उसका व्यवहार आपसे बदल जाएगा, उसका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत अच्छा हो जाएगा, वो बहुत खुश रहने लग जाएगा, वो ऐसे पागलपन की हरकतें नहीं करेगा, उसका मानसिक संतुलन जो है वो भी सुधर जाएगा। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है दोस्तों। अब ये जलाना कैसे है दोस्तों, तो ये आपको कपूर के साथ जलाना, कपूर तीन कपूर आप रखेंगे तो कपूर के साथ दो इलायची और पांच लौंग भी जल जाएगी। अब तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपका कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कभी भी आपका बिजनेस ठप खा जाता है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब वापस से ठप खा गया, वापस से नहीं चल रहा, तो आपको ये उपाय करना है दोस्तों। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े में आपको दिन के 11 लौंग, अब दोस्तों लौंग कैसे लेनी है, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, जिसके ऊपर फूल रहता है ना वो वाली लौंग होनी चाहिए, ऐसी टूटी फूटी या कटी फटी लौंग नहीं चलेगी। तो 11 लौंग आपको लेनी है और आपको 5 घूमती चक्र लेने हैं। घूमती चक्र आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों, दिवाली के समय भी मिलते हैं और बाद में भी मिलते हैं, जो पूजा पाठ या सामग्री की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको घूमती चक्र मिल जाएंगे। तो आपको 11 लौंग और 5 घूमती चक्र, दोस्तों घूमती चक्र भी आपको खराब वाले नहीं लेने हैं, पूरे पूरे गोल गोल जैसा कि चित्र में दिख रहे हैं उस तरह के घूमती चक्र आपको लेने हैं, पूरे के पूरे आप देख चौक कर उसको लाइए। तो 11 लौंग और 5 घूमती चक्र को रखें और उसकी पोटली बना लें, लाल कपड़े की पोटली बना लें, और आप हनुमान जी के सामने चमेली का दिया लगाएं और पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ कर रख दें। यानी कि आप क्या करें कि आप हनुमान जी के सामने चमेली का दिया लगाएं और चमेली के तेल का दिया लगाने के बाद आपको यह पोटली हनुमान जी के दाएं चरण में रखनी है, दाएं चरण की तरफ आप रख दें, और रखने के बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर 108 बार ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः का जाप करना है। इसके बाद आप अपने बिजनेस पर स्थान पर इसको पोटली को उठा करके, आप जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आपका व्यापार चलता है, वहाँ पर इस पोटली को उठा कर ले जाएं और वहाँ पर रख दें, और ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी की पहुँच नहीं हो, यानी कि कोई भी वहाँ पहुँच नहीं सके, कोई भी इस पोटली को हाथ नहीं लगा सके। दोस्तों यकीन मानिए जो आपका बिजनेस बरसों से नहीं चल रहा था या बार बार ठप खा जाता है तो ये बिजनेस आपका चलने लगेगा। दोस्तों ये जो उपाय है ये नींबू मिर्ची से भी खतरनाक उपाय है। नींबू मिर्ची से तो आपको बार बार हर शनिवार हर मंगलवार को नींबू मिर्ची टांगनी पड़ती है दुकान पर, लेकिन यदि आप ये वाला उपाय कर देंगे तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई आपसे शत्रुता नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका किया कराया भी नहीं करवा पाएगा, साथ ही में आपका जो बिजनेस है वो दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा और दिन दुनी रात चौगुनी आप वृद्धि करेंगे। दोस्तों अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगला उपाय जो है वो संकट नाशक उपाय है। इस उपाय को आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, 4 लौंग लेनी है और एक नींबू लेना है। आप 4 लौंग और एक नींबू लेकर के आपको हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाकर के आप जैसे ही हनुमान मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हनुमान मंदिर में प्रवेश करते समय नींबू के अंदर पूरा साबुत नींबू होना चाहिए, नींबू के अंदर 4 लौंग को आपको गाड़ देना है, और 4 लौंग को गाड़ करके यानी लौंग लगा देनी है उसमें अंदर नींबू के अंदर, और हनुमान मंदिर में अंदर चले जाना है।
अब अंदर चले जाकर आपको नींबू को अपने हाथ में रखना है और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप उस नींबू को हनुमान जी को समर्पित कर दें। लेकिन आपको नींबू समर्पित करते समय, हनुमान जी को नींबू चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, वो सब आपको उस नींबू को बोलने हैं और वो हनुमान जी को चढ़ा देना है। और साथ में ये बोलना है कि हे महावीर बजरंग बली, मैं आपको ये नींबू और 4 लौंग चढ़ाने आया हूँ। अब आप मेरे सारे दुखों को और कष्टों को हर लें और इनका नाश करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं इस दुनिया से हार गया हूँ। ऐसा बोलकर आपको ये लौंग और ये सब नींबू और ये लौंग जो गरीबी लौंग है वो चढ़ा देनी है। दोस्तों, आपकी जो पाती है, जो हनुमान जी आपके जो कष्ट हैं वो इतनी जल्दी मिटेंगे, इतनी जल्दी मिटाएंगे अपनी गोटे से कि आप भी सोच नहीं पाएंगे कि मेरे दुख दर्द कितनी जल्दी खत्म हो गए। अब आपको मनोकामना कौन सी बोलनी है, जो भी कष्ट हैं वो आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप कर्जे में गिर गए हैं तो आप बोल सकते हैं, हनुमान जी मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में गिर गया हूँ। या आपको बहुत लंबी बीमारी रहती है, आपके परिवार में कोई सदस्य है उसको लंबी बीमारी रहती है, तो आप उनके लिए मनोकामना मांग सकते हैं। या आपको शादी ब्याह करने हैं, शादी रचानी है, तो शादी के लिए आप मनोकामना मांग सकते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, आर्थिक तंगी चल रही, तो आपको उसके लिए मनोकामना मांगनी है। लेकिन आपको किसी भी परेशानी को वहाँ पर उस समय बोल देना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, ओम हनुमंते नमः, जय हनुमान जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से ही आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी का ही वीडियो है। तो मिलते हैं इन्हीं उपायों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।